बस और ट्रक में भिड़ंत होने के बाद क्षेत्र में चिल्ला पुकार मच गई। यूपी के कन्नौज जिले में हुए हादसे में 30 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हादसा इतना भयंकर था कि बस और ट्रक दोनों में ही आग लग गई। मौके पर पुलिस और तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं और इस मामले की जाँच अभी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विमल चतुर्वेदी ट्रेवल्स की बस जयपुर की तरफ जा रही थी, तभी NH 91 पर घिलोई गांव के सामने से आ रहे ट्रक से बस की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों में आग लग गई। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 30 से अधिक बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र के बेवर मार्ग पर हुए हादसे के बाद घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर DM SP सहित जिले भर का प्रशासनिक अमला पहुँच गया। मौके पर पहुंचे DM रविंद्र कुमार ने बताया कि बस में 25 लोग गुरसहायगंज से, 17 लोग छिबरामऊ से चढ़े थे, जिसमें 21 घायल लोग को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, बाकी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं यात्रियों की माने तो बस में 50 से ज़्यादा यात्री सवार थे, जिसमें 15 से 20 लोग ही भाग पाए। बस में अधिकतर यात्री जयपुर के थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत कम लोग ही भाग पाए और अधिकतर लोग बस में फंस गए और चल गए। ये आज एक यात्री बस थी जो जयपुर जा रही थी, छिबरामऊ के आगे बेवर रोड पर लगभग 5 किलोमीटर छिबरामऊ से एक ट्रक से इसकी भिड़ंत हुई जी, और इसमें आग लग गई। तो आग लगने पर कुछ यात्री तो बाहर निकल पाए हैं, लेकिन कुछ यात्री अंदर ही रह गए हैं। और सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड भेजा गया, जनपद कन्नौज से भी और मैनपुरी से भी संपर्क करके मेवा से भी फायर ब्रिगेड मंगाई गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। 21 लोग जो लोग बाहर आए थे, जो घायल अवस्था में थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सौसैया हॉस्पिटल में 21 लोग पहुंच चुके हैं और पूर्ण रूप से आग बुझने पर अंदर और इसमें देखा जाएगा कितने लोग फंसे थे। जहाँ से चली है वहाँ से भी सूचना एकत्रित की जा रही है कि जहाँ गुरसहायगंज से कितने यात्री बैठे थे, छिबरामऊ से कितने बैठे थे, ताकि सही संख्या ज्ञात की जा सके। लगभग कितनी संख्या रही होगी? अभी तक जो सूचना मिली है ये फर्रुखाबाद की बस थी, और जो सूचना मिली उसके अनुसार 26 यात्री तो गुरसहायगंज से चढ़े थे और 17 यात्री छिबरामऊ से चढ़े थे। तो ये दोनों मिला के काफ़ी यात्री हो जा रहे हैं, और 21 चूँकि निकल गए हैं तो हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं कि और यात्री उतर के आसपास ऐसा हो तो नहीं है कि जो आसपास हो, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। और पूरा प्रयास है कि मृत्यु कम से कम हो, जो लोग भी घायल अवस्था में उनको तुरंत अस्पताल पहुँचा के उनको उपचार। जी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? गुरसहायगंज जयपुर। किस बस में सवार थे आप? विमल वाली में। कैसे घटना हुई भाई? ये भाई आमने सामने टकराई है। कहाँ पर घटना हुई है? गांव का नाम तो नहीं मालूम। भैया बस में कितने लोग सवार थे? बस में जो भी हो 60 हो 65 हो कम भी हो कोई और एक इन्हें निकाला है बाहर बस। फिर भी आपके अंदाज से कितनी सवारी होंगी लगभग? अंदाज से तो हमें नहीं पता फिलहाल में, हम 3-4 सवारी। बाहर कितने लोग करीब निकाले गए? बाहर तो निकल गई यार सवारी, करीब 20 निकली है, 15 जो भी निकली है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर कानपुर मंडल के IG और कमिश्नर ने घटना का मुआयना किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए IG मोहित अग्रवाल ने कहा कि बस में करीब 45 यात्री थे, जिसमें करीब 25 को बचा लिया गया है, बाकी की मौत की आशंका है। IG ने बताया कि बस के अंदर 8 से 9 शव समझ में नहीं आ रहे हैं और बाकी बहुत से शवों की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी है, सभी का पोस्टमार्टम कराकर ही आगे कुछ कहा जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी के गुरसराहगंज और छिबरामऊ क्षेत्र में सहायता केंद्र बना दिए गए हैं। ट्रक चालक व साथी परिचालक दोनों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। 17 लोग छिबरामऊ कस्बे से बैठने की बात सामने आई, तो इस प्रकार से 27 प्लस 17 सवारियां इस बस में
नहीं सर, ये फरुखाबाद से चली बताया जा रहा था, पहले जो स्टेटमेंट आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, फरुखाबाद से कितनी सवारियाँ बैठी थी? नहीं नहीं, ये गुरसाईगंज से ही सवारियाँ थी जो अभी जानकारी दी है। सर, जब ट्रैवल ये क्लियर नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं फरुखाबाद से चली थी? देखिए, अभी जो प्रथम जिसके हमको जानकारी मिल रही है वही बताई जा रही है, अभी ये कोई फाइनल इन्वेस्टिगेशन, ये 9 बजे के आसपास की घटना है। हम 12 बजे हमारा प्रथम प्रायोरिटी जो है लोगों को सहायता पहुँचाने की है, कौन से ट्रैवल एजेंट की है, कहाँ से चली है, परमिट है इसका नहीं है, डग्गा मार नहीं है, ये जानकारी है कलेक्ट करी जाएगी और अगर कोई इसमें दोषी होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस के अंदर कितने लोग फंसे होंगे अभी? बस के अंदर मैंने बताया कि जो हमारी पब्लिक ने पूरी छानबीन की है और जो प्रथम दृष्टया देखने से इसमें 8 से 9 डेड बॉडी जो हैं प्रतीत हो रही हैं, लेकिन फॉरेंसिक टीम के अनुसार कुछ लोग जिसमें जलने के बाद इतने उनके सब निश्चित हो गए हैं, इतने उनकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं कि हो सकता है कि और भी लोग इसमें मरे हों, इसलिए जो हड्डियाँ कलेक्ट होंगी उनके DNA टेस्ट कराए जाएंगे और उसमें DNA संख्या इसमें पता चल रही है। ट्रक और उधर से बस आ रही थी, ये स्लीपर वाली, तो अचानक ट्रक की गलती रही है दोनों में से जिसकी भी, तो हादसा हो गया। 70 आदमी इसके अंदर थे सवारियाँ, जबकि 70 की टिकट थी और काफ़ी लोग इसके यहाँ गैलरी में खड़े थे, काफ़ी भीड़ थी। सरकार यहाँ सुनने में आ रहा है कि 50-60 से अधिक लोग इसके अंदर जल गए, एक बच्चा बच गया, एक माता पिता थे जो दोनों ही जल गए, उनका सिर्फ एक बच्चा बच्चा जो यहाँ की माननीय विधायक हैं अर्चना पांडे जी, वो उसको अपने साथ अपनी सपोर्टिंग में लेकर गए। अब इसकी काउंट हम तो बता नहीं सकते, अनुमानित जो यहाँ के देखने में सुनने में आया उनका कहना है कि 50 से 60 लोग आए।